रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैशाली, इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मी, मैं यूं ही सोच रही थी कि मैं इस घर में क्या हूँ। अरे कैसी बातें करती हो, तुम हमारी बेटी हो। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। वैशाली, ये क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ, डरो नहीं, माँ हूँ मैं तुम्हारी। बताओ, मुकुल जो मांगता है उसे मिल जाता है, जो चाहता है कल गुजरता है, मगर मैं। वैशाली, तुमने क्या गलती की बेटे? तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो हमने नहीं सुनी? तुम्हारी कौन सी मांग हमने पूरी नहीं की? मैं 10वीं के एग्जाम से कुछ दिन पहले साल की मिस ब्यूटीफुल चुनने का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था और मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती थी। मैंने तुम्हें हिस्सा लेने नहीं दिया। हाँ, जबकि मेरी बहुत सारी सहेलियाँ ये समझती थी कि मैं वो कॉन्टेस्ट जीत सकती थी। देखो वैशाली, एक औरत के लिए उसके खूबसूरती के सिर्फ दो सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, एक जो उसके माँ बाप उसे देते हैं उसकी शक्ल सूरत के आधार पर, और दूसरा उसका प्रेमी या पति देता है उसका शरीर, उसका दिल और उसकी आत्मा के आधार पर। जिस लड़की ने वो कॉन्टेस्ट जीता था वो दिखने में कहीं से भी मुझसे अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ, उसने कॉन्टेस्ट जीता इसलिए वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना? मगर मुझे तो ये लगा ना कि अगर मैं हिस्सा लेती तो जीत जाती। वैशाली, इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जिस तरह एक औरत के बदन की सारी गंदी नुमाइश होती है ना, तो मुझे कतई पसंद नहीं है। और एक बात तुम कभी नहीं भूलना वैशाली, तुम लड़की हो और बिल्कुल लड़का है। हिंदुस्तानी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में जो पॉपुलर नॉवेल्स हैं, बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स और फॉरेन लैंग्वेजेस में जो नॉवेल्स हैं, अगर हम परमिशन लेकर उनके हिंदुस्तानी ट्रांसलेशन छापे तो कैसा रहेगा? ओह फैबुलस, व्हाट एन एक्सीलेंट आईडिया, आह ग्रेट। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा बेटा बिजनेस अपने आप संभाल सकता है। शीतल, तुम अपने बेटे के बारे में क्या कहती हो? पर मुस्कुरा के कहना, ये भी कोई पूछने की बात है? भला कौन सी माँ खुश नहीं होगी अपने पति के मुंह से बेटे की तारीफ सुनकर। कौशल्या, जब जब जी हो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अच्छे हैं, आप कैसे हैं मानी? चलो, और तुम्हारी पढ़ाई जिम कैसा चल रहा है? मैं पढ़ाई तो मेरी कभी परिपत नहीं होती, मैं बैठ कर थोड़ा बड़ा किसी से सवाल ले लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रख लेना। शक्ल सूरत ढील डॉल सब कुछ ऊपर वाले की दया है। चल रहा, कुछ अपने बारे में भी बताओ ना,
यात्रा कैसी रही? आपकी दया से सब कुछ देख कर आई हूँ। चारों धाम पूरे किए हैं मैंने। बेटा पद्मिनी अंदर आ जाओ। सर मैं हमेशा आपको कहती थी ना, मेरी एक भतीजी है। ये है पद्मिनी, इसी साल 12वीं पास किया है, इसीलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। अगर आप इजाजत दें तो कॉलेज की पढ़ाई यहीं करें। हम इसे इस शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे। आपका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है सर। वैसे तो कल को कोई भी उठकर कह सकता है कि फला फैसला गलत है, इसलिए केस को रीओपन किया जाए। जरूर तो मैंने उस औरत से कहा कि ये केस रीओपन नहीं हो सकता। मेरा मतलब है इस तरह से केस रीओपन नहीं हो सकता। दरअसल ये जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना सर, इन सबका एक ही नारा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती। इस बात को लेकर आप ज्यादा परेशान मत होइए सर। कानूनी तौर पर कोई भी केस इस तरह रीओपन नहीं हो सकता। नहीं तो हम जानना चाहते हैं कि कानूनी नुक्ता क्या है, कैसे हम इस सोशल वर्कर से अपनी जान, मेरा मतलब है कैसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। देखिए जिस केस में गिरफ्तारी के बाद फैसला हो जाता है उसकी फाइल बंद हो जाती है। उसके बाद अगर वो केस दोबारा रीओपन करना हो तो पहली शर्त तो ये है कि कोई ऐसा सबूत मिलना चाहिए जो ट्रायल के दौरान सामने ना आया, और ये सबूत बहुत ही ठोस होना चाहिए, जैसे कोई चश्मदीद गवाह हो जो किसी कारण ट्रायल के दौरान अदालत में पेश ना हो सका, या फिर उंगलियों के निशान। ये केस तो 16 साल पुराना है, इसमें आज कौन सा सबूत आ सकता है? लेकिन वो औरत तो कह रही थी कि उसके पास सबूत है। पहले से क्या होता है, सबूत लेकर उससे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और अदालत ये फैसला करेगी कि ये केस रीओपन हो सकता है या नहीं। हेलो हेलो, नेता श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? पहचाना नहीं आपने? नहीं नहीं पहचाना। हम वही सोशल वर्कर हैं जो 16 साल पहले हुए मर्डर केस को रीओपन करवाने के सिलसिले में आपके पास आई थी। देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए ना आप मेरे को फोन कीजिए और ना ही मिलने की कोशिश कीजिए। शीतल, ये तुम्हारी खुली बेरुखी, ये तुम्हारा दबा दबा गुस्सा इस घर के दरों दीवार तक महसूस कर रहे हैं। तो फिर क्या करूं मैं? एक हिपोक्रेट की तरह हंसती रहूं या फिर फूल बिछाऊं रास्ते में? देखो समझने की कोशिश करो, कौशल्या हमारी अपनी है, कोई गैर नहीं है, वो हमें अपना मानती है, अपना समझती है। मुझे इस अपनेपन से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हर बात की एक लिमिट होती है। जूते को पॉलिश करके चमकाया जरूर जाता है, लेकिन उसे पहनते तो पैर में ही है ना, सर पे तो नहीं रख लेते। What nonsense are you talking about? तुम एक बेजान चीज की इंसानी जिंदगी से तुलना कर रही हो? बहुत सी ऐसी बेजान चीजें हैं जिन्हें आपने भी इंसानों से ज्यादा प्यार किया है। मसलन आपकी दौलत, शोहरत, ईंट और पत्थरों से बना हुआ ये मकान, ये सारी चीजें बेजान नहीं है क्या? शीतल for God's sake, तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि आप लोगों ने दाई माँ को इस घर में, इस खानदान में और अपनी जिंदगी में जो जगह दे रखी है, मैं वो जगह हरगिज नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें आज तक कभी नौकरानी भी नहीं समझा है, लेकिन मेरे नजरिए से आप लोगों ने उन्हें जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। सर पर नहीं चढ़ा रखा, बल्कि बराबर का स्टेचर दे रखा है जिसकी वो हकदार है। अच्छा, और अब यही दर्जा अब आप उस यतीम लड़की को भी देने वाले? Yes. और इसीलिए मैंने शहर के सबसे बड़े और अच्छे कॉलेज में उसे दाखिला दिलाने की सोची। इस वक्त क्या होगा जब इस शहर के लोग हमारे हमारे खानदान को गॉसिप का विषय बना लेंगे? वो कहना शुरू करेंगे पता नहीं कहाँ सड़क पे से उठा लाए इसे। You shut up, शीतल। शायद तुम भूल रही हो, छोटे से बड़ा बनने वालों में बहुत से लोग सड़क से उठकर ही इन आलीशान बंगलों में पहुंचते हैं। आपके जो जी में आए कीजिए, लेकिन मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे मेरी बेरुखी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी।
लेकिन आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो आप मुझे फोन कीजिए और नहीं मिलने की कोशिश कीजिए। मिलने के लिए इनकार करके तो आप हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे जो जी में आए सोचो, जो मुंह में आए बोलो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो। मैं इलेक्शन में जीता हुआ हूं, मेरे पास मेरी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं। आप तो नाराज हो गए। हम ये कब कह रहे हैं कि आप इलेक्शन जीतने के लिए आपने किसी का कत्ल करवाया है या फिर आपने घूस लिया है? हम तो ये कह रहे हैं कि देखो तुम अपनी हद से बाहर निकल रही हो। मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे दुश्मनी मोल मत लो, नहीं तो क्या कर देंगे आप? हमारा कत्ल करवा देंगे ठीक उसी तरह जिस तरह। शट अप, जानते नहीं हो तुम किस बात कर रही हो? यही तो भूल हो गई मुझसे। मैं समझती थी कि मैं शहर के मशहूर गुंडे से नहीं एक नेता से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। तुम समझती जाओ अपने आप। मैंने अपना परिचय दिया तो था, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इस समय मैं शहर के बहुत मशहूर अखबार के दफ्तर से बोल रही हूँ और मेरे पास कुछ सबूत है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बेकसूर होते हुए भी कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई थी। मैं इन दोनों को इस अखबार में छापने के लिए दे रही हूँ। इस अमृतलाल को फोन करके कल यहाँ बुलाओ। ये जो लेख लिखा है लोगों ने कितना ऑब्जेक्शन लिया इसके ऊपर। बाय द वे वो प्रिंसेस अंबिका के बारे में कुछ पता चला? नो सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कोशिश जारी रखो। यस सर। यू मे गो। बाय द वे वो जो लेडी बाहर बैठी है उन्हें अंदर भेज दो। आइए प्लीज कम इन। आप जी? नहीं नहीं सॉरी कुछ नहीं, बैठिए प्लीज। इज इट इट? हाँ कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने एक लेख लिखा है। ओह आई सी। किसके बारे में? एक मर्डर केस के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत लोग इसे पढ़कर हैरान होंगे, चौंकेंगे। आप लोगों को चौंकाने वाला मटेरियल लेकर आई हैं। छापेंगे? जरूर, अगर छापने लायक होगा तो जरूर छापूंगा। एक मर्डर हुआ है, एक हत्यारा है जो कहीं आजाद घूम रहा है, एक बेकसूर जेल में है। क्या ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग नहीं है, छापने लायक नहीं? आर्टिकल छापना इतना आसान नहीं है, बहुत सी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अपने दिमाग को जरा जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा हूं, याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है। जी नहीं, आप बेकार अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप और मैं पहले कभी नहीं मिले। फिर मुझे क्यों लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ? आप शायद मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि आप और मैं पहले कभी नहीं मिले। खैर जाने दीजिए, जब मुझे याद ही नहीं आ रहा तो फिर बहस करने से क्या फायदा। आपका ये जो आर्टिकल है, एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या बात है बेटा? डैडी मैं सुबह से ऑफिस में बैठा बैठा बोर हो रहा हूं।
बेटा मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ तुमसे। ये बोर शब्द का क्या मतलब होता है? सीधी सी बात है डैडी। सीधी बात हो या उल्टी, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बोर शब्द का क्या मतलब होता है? डैडी यहाँ पर मेरा दिल नहीं लग रहा। यहाँ पर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा या काम में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा? डैडी मुझे दोनों में दिलचस्पी नहीं है, ना जगह में और ना ही काम में। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ। डैडी आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा दिल कहाँ है, मेरी आत्मा कहाँ है। नहीं बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दिल कहाँ है, तुम्हारी आत्मा कहाँ है। जरा अपने इग्नोरेंट बाप को बताओ कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा कहाँ है। संगीत में डैडी, संगीत में। डैडी मैं गायक बनना चाहता हूँ, प्लेबैक सिंगर। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन डैडी, आज दोपहर को मैंने रिहर्सल रखी है जहाँ मुझे जाना है। तुम नहीं जाओगे। लेकिन क्यों डैडी? क्योंकि मैं कहता हूँ। Isn't that enough? No, that is not enough. आपकी उंगली पकड़ कर चलने की उम्र नहीं है मेरी। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, बहुत बड़े हो गए हो तुम, मोटर चला सकते हो तुम, गाड़ी चला सकते हो, हारमोनियम बजा सकते हो, बांसुरी बजा सकते हो, अपने बाप के सामने खड़े होके बहस कर सकते हो। प्लीज डैडी मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे। अगर इस गायकी को एम्बिशन बनाकर इसके सामने तुम सरेंडर कर सकते हो तो कहीं ना कहीं बेटा तुम्हें अपने डैडी के सामने भी सरेंडर करना होगा। बेटा मेरी बात सुन, ये संगीत बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, मन को मोह लेता है। लेकिन अगर इस संगीत में इतनी शक्ति है कि मेरे बेटे को मुझसे दूर खींच सकता है तो मुझ में भी इतनी शक्ति है कि मैं अपने बेटे को इससे दूर रख सकता हूं। नाउ नाउ गो एंड करो जो तुमको करना चाहिए। ठीक है मैं फोन करके रिहर्सल कैंसिल कर देता हूं। I'm sorry, माफ कीजिए, आजकल के नौजवान इनमें कोई ठहराव नहीं है, सब कुछ एक ही वक्त पर कर देना चाहते हैं ये। आपका आर्टिकल मुझे दीजिए, इसे मैं पढ़ लूंगा और अगर छापने का डिसीजन लिया तो मैं आपको फोन कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. ऐसे क्या देख रही हो बेटी? अरे मैं इस किताब में लिखा है खून के रिश्तों से बड़ा वो रिश्ता होता है जो बिना किसी कारण के बनता है और फिर जीने का कारण हो जाता है। यही तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है बेटी। अरे ना मगर हमारे रिश्ते में एक बात और भी तो है। वो क्या? एहसान बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, अगर मेरे माता पिता के मरने के बाद तुमने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद आज इस दुनिया में मेरे लिए इतनी भी जगह ना होती कि मैं पैर पर खड़ी हो सकूं। बड़ी माँ नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि मैंने कोशिश नहीं की थी तुम्हें सीने से लगाने की, बल्कि मैं रोक ही नहीं पाई थी अपने आप ऐसा करने से। नहीं बड़ी माँ, बड़ी माँ जिस प्यार से तुमने मेरा पालन पोषण किया है शायद मेरी सगी माँ भी ना कर पाती। बड़ी माँ, बड़ी माँ मेरी हर सांस तुम्हारी कर्जदार है। मत रुला मेरे बच्चे, मत रुला मुझको। मेरा भी कौन है तुम्हारे सिवा? राई माँ ये कुछ रुपए रख लीजिए। आपने कहा कि मेम साहब आप शायद जानती नहीं है
रोहन केदारी ने जिस कॉलेज में इस लड़की के दाखिले की बातचीत की है वो इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है। इस शहर के बड़े बड़े घरानों के लड़के वहाँ जाते हैं पढ़ने और ज्यादातर सब अपने अपने कारों में ही जाया करते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं सर? सिर्फ इतना कि अब कार हो जाए ना हो लेकिन कम से कम कपड़े तो कायदे के होने चाहिए ना। अब जब हमारे खानदान की सिफारिश पर तुम्हें वहाँ दाखिला मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि गुलाब के बागीचे में तुम एक बबूल के कांटे के समान नजर आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। मेम साहब मैं मानती हूँ आपका खानदान बहुत बड़ा है, मान सम्मान और इज्जत नाम के हीरे इसमें जड़े हुए हैं, मगर मेम साहब मैं इसके साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहती। नहीं बड़ी माँ, मैं भूखे पेट मर सकती हूँ बड़ी माँ, मगर किसी की फेंकी हुई रोटी खा नहीं सकती। माय गॉड, क्या तेवर है इस लड़की का? तेवर नहीं है मेम साहब, आत्मसम्मान है, नारी के जीवन का जेवर।